नमस्कार साथियों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। साथियों, आज हम लोग जानेंगे कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे ऐतिहासिक घटना क्या है और यह किस प्रकार विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अतः आज का वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, अतः आप ध्यान से वीडियो देखें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी को जान पाएं। तो चलिए आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। आखिर मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़े कई प्रमुख त्योहारों को मनाने की परंपरा है, उन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। आज मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। शीत ऋतु के पौष माह में जब भगवान भास्कर उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की इस संक्रांति को मकर संक्रांति के रूप में देश भर में मनाया जाता है। वैसे तो मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन पिछले कुछ साल से गणनाओं में आए परिवर्तन के कारण इसे 15 जनवरी को मनाया जाने लगा है। इस साल भी मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान और ध्यान का विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों में मकर संक्रांति को देवताओं का दिन बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। मान्यता है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर वापस पुनः प्राप्त हो जाता है। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही दिन चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। श्रीमद्भागवत एवं देवी पुराण के मुताबिक शनि महाराज का अपने पिता से वैर था, यह एक पौराणिक कथा है। श्रीमद्भागवत एवं देवी पुराण के मुताबिक शनि महाराज का अपने पिता से वैर था क्योंकि सूर्यदेव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्यदेव ने संज्ञा और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इसे शनि और छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था। पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफी दुखी हुए और यमराज ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलवाने के लिए घोर तपस्या की, लेकिन सूर्यदेव ने क्रोध होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इसे शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ रहा था। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफ़ी समझाया। तब जाकर सूर्यदेव शनि के घर कुंभ में पहुंचे। कुंभ राशि में जब कुछ जला हुआ था उस समय शनिदेव के पास तिल के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्यदेव की पूजा की। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि मेरे आने पर धन धान से भर जाएगा। तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ, इसलिए शनिदेव को तिल प्रिय है। इसी समय से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य एवं शनि की पूजा का नियम शुरू हुआ और तब से मकर संक्रांति मनाया जाने लगा।